हेलो गाइस, आज मैं बनाने वाली हूँ मटर पुलाव। तो ये ऐसा बनता है कि आप इसको बिना सब्जी या दाल के खा सकते हैं, सिर्फ चटनी के साथ, जो कि नाश्ते में काफ़ी टेस्टी लगता है। सर्दी के मौसम में जब मटर का सीज़न होता है तो उस टाइम भी ये काफ़ी टेस्टी लगता है। तो चलिए देखिए किस तरीके से का ये दिख रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना, कैसे बनेगा। तो सबसे पहले इसके लिए हम एक कुकर ले लेते हैं और इसमें हम डालेंगे तेल। तेल आप अपने अकॉर्डिंग ले लीजिए, जैसे आप खिचड़ी या तहरी में यूज़ करते हैं उसी तरीके से। अब इसमें हम डालेंगे कटी हुई प्याज, तेज़पत्ता, ज़ीरा, हरी मिर्च मैंने लिया है। तो इसमें तेल मेरा गर्म हो गया, अब उसमें डाल देते हैं प्याज। ये गोल्डन ब्राउन होने तक इसको थोड़ा सा पकाएंगे। गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, अब इसमें हम डाल देते हैं हरी मिर्च और तेज़पत्ता, ज़ीरा। इसको भी अच्छी तरीके से हम कर लेंगे, चला लेंगे। ये भी मेरा रेड हो गया है। अब इसमें हम डालते हैं 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। क्योंकि हमें खाली पुलाव खाना है बिना सब्जी या दाल के, तो इसमें थोड़ा सा मसाले वाला ही अच्छा लगता है। अब इसमें ये मैं खड़े मसाले लेती हूँ। अगर आपको खड़े मसाले पसंद है तो आप डायरेक्ट डाल सकते हैं खड़ा, कुछ लोगों को नहीं पसंद होता, बार बार मुँह में आता है, तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा क्रश कर लिया है। क्रश किए हुए गरम मसाले डाल देते हैं। अगर इसमें आप चाहें तो टमाटर डाल सकते हैं। ये मैंने डाल दिया है मटर। ये मैंने 1.5 पाव चावल लिया है और उसी के अकॉर्डिंग 1.5 पाव मटर भी है, तो बराबर की मटर रहती है तो अच्छा लगता है खाने में मटर पुलाव। ये मैंने मटर और चावल को अच्छी तरीके से भून लिया है। अब इसमें हम डालेंगे नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए। वैसे मैंने 1.5 पाव लिया है, तो 1 चम्मच से थोड़ा सा भर के नमक डाला है। अब इसमें हम ऐड कर देते हैं पानी। आप इसमें टमाटर डाल सकते हैं, तो टमाटर आप मसाले भूनने टाइम भी डाल सकते हैं, अदरवाइज आप इस स्टेज पर भी टमाटर डाल सकते हैं, तो टमाटर से इसका टेस्ट और भी अच्छा आता है। तो ये मैंने पानी वगैरह डाल के उसको बंद कर लिया है। इसमें 1 सीटी आने के बाद इसका फ्लेम हम थोड़ा सा स्लो कर देंगे। और अब ये हो चुका है, अब हम इस ढक्कन खोल के देख लेते हैं। ये देखिएगा, हमारे मटर पुलाव एकदम रेडी हैं। ये मैंने देसी चावल का बनाया था, नया चावल जो होता है, क्योंकि उसी का ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो यहाँ पर देखिए अलग अलग मटर दिख रही थी, लेकिन मैंने उसको मिलाते हुए उसको निकाल लिया है प्लेट में। इसमें ये चटनी मैंने हरी धनिया की चटनी बनाई थी, उसके साथ सर्व किया है। ऊपर से मैंने हरी धनिया से थोड़ा सा उसको डेकोरेट कर दिया है। देखिए, देखने में काफ़ी टेस्टी लगता है, ग्रीन ग्रीन, और खाने में भी काफ़ी टेस्टी लगता है, और ये दो बहुत ही जल्द बन जाता है। तो आप लोग भी ट्राई करिएगा। आप इस रेसिपी को सालन के साथ या सब्ज़ी के साथ भी खा सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको सिंगल भी खा सकते हैं, सिर्फ चटनी के साथ या अचार के साथ। थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।